मेरा यह मत है कि भारत सरकार को चाहिए कि जितना मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड कर सके करते जाए, और मिलिटराइजेशन भी किधर करे, मिलिटराइजेशन करे साउथ चाइना सी में, और हमारी बॉर्डर्स को शांत रखे। मैं देखिए बोलने में बहुत बुरी बात सुनाई देगी, लेकिन मैं जनहित की, अपने देश के हित की बात करता हूँ। आप ये देखिए कि जब कोल्ड वॉर पीक पे थी यूएसएसआर और यूएसए की, तब भी कोल्ड वॉर लड़ी कहाँ जा रही थी, जो जिसको कहते हैं हम पॉइंट जीरो जो था, वह ग्राउंड जीरो जो था वो तो जर्मनी था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को बनाया था ग्राउंड जीरो, ना कि जो साइबेरिया, ईस्ट साइबेरिया मतलब फार ईस्ट साइबेरिया और अमेरिका की अलास्का की जो बॉर्डर है, अमेरिका की भी बॉर्डर मिलती है रशिया से, लेकिन अमेरिका ने उस बॉर्डर को पीसफुल रखा था। तो मेरा ये कहना है कि और अमेरिका तैयार था कि हम लड़ेंगे यूएसएसआर से आखिरी जर्मन तक, जब तक एक एक जर्मन नागरिक लड़ेगा तब तक हम लड़ेंगे। ऐसा ही मैं भी कहता हूं कि हम भी साउथ चाइना सी का मिलिटराइजेशन खूब करें, हम भी लड़ेंगे, आखिरी वियतनामी तक लड़ेंगे, हम आखिरी ताइवानीज तक लड़ेंगे, हम आखिरी इंडोनेशियन तक लड़ेंगे, लेकिन हमारी बॉर्डर्स को पीसफुल रखें हम। तो आपका आज का जो ये डिस्कशन था, पब्लिक आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर अपने कमेंट में बताइएगा। और डॉक्टर गोलरेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे से प्रकाश डाला इस पूरे विषय पर। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।